हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी भावनाथ ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ो और फांसी की शिक्षा दो, नहीं तो फिर हमारे हवाले कर दो। अगर किसी से कुछ नहीं होता तो हमारे हाथ में सत्ता दे दो। हाल ही में जलगांव के समता नगर में एक 8 साल की बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर थैली में भरकर फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद सिर्फ इलाके में ही नहीं, समूचे शहर में, राज्य में सनसनी फैल गई थी। पीड़िता के घर सभी जिम्मेदारों ने पहुंचकर घर वालों को सांत्वना दी। विधायक एकनाथ राव खड़से ने भी पीड़िता के घर जाकर पीड़िता के परिजनों से बातचीत कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हालांकि पुलिस ने अपराधी को पकड़ने का दावा किया है और आदेश बाबा नामक व्यक्ति को पकड़ा भी है, लेकिन बच्ची के बेरहम कातिल को कड़ी सजा की मांग के लिए सामाजिक संगठन लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। बुधवार को भी जिलाधिकारी दफ्तर के सामने शहर के सभी संस्थाओं ने एकजुट होकर बच्ची के हत्यारों को कठोर सजा की मांग की। इस दौरान महिलाएं काफी आक्रामक भी दिखी। बताए ऐसी कौन सी जगह बची जहाँ हमारी बच्चियाँ सेफ है? इस बार हमने तो ये तय कर लिया है कि जो जो विभाग एरिया में ये जो चीजें घटती है, यानी बोला जाता है कि साफ सफाई करनी होगी, तो पहले आप अपने घर से शुरुआत करो। ये जलगांव हमारा घर है, ये जलगांव की बच्चियां हमारी बच्चियां है, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम प्रशासन और सरकार पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारी महिला संगठनाएं खुद का प्रशासन और खुद का शासन शुरू कर देंगी, जिसमें ऐसे आरोपियों को हम हमारे तरीके से सजा देंगे कि आगे अगर कोई बच्ची की तरफ नजर भी डाले तो इनकी रोंगटे इनके खड़े हो जाए। और ये चार बार सोचे कोई बच्ची पे नजर डालते हुए, इनको भरे चौराहे पे नंगा कर मारने की और नामर्द बनाने की हिम्मत हम महिला संगठनाएं रखेंगे करेंगे। हम आज मांग कर रहे हैं कि सभी आरोपियों के क्या धागे हैं, ये सब सरकार को ढूंढने चाहिए, पुलिस को ढूंढने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलनी चाहिए, आरोपियों को फांसी होनी चाहिए और पीड़ित लड़कियों के माता पिता को न्याय मिलना चाहिए और उनको सहायता के रूप में मनोधैर्य योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा आक्रोश जलगांव के महिला पुरुष और नागरिकों के अंदर है और जलगांव का प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर ये सब बातें गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये असंतोष बढ़ता जाएगा। इन महिलाओं का आक्रोशित होना तब और जायज लगता है जब आप इन दिनों महिलाओं और बच्ची पर अत्याचार का बढ़ता हुआ ग्राफ देखेंगे। ये सिर्फ सरकार या पुलिस की ही नहीं, हम सब की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हम स्वयं सजग रहें। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए।